का एम्स अब और हाईटेक हो गया है। यहाँ अब मरीजों को तो पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी ही, मरीजों के तीमारदारों को भी रहने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। एम्स में विश्राम सदन सहित 12 नई सुविधाओं की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते कल किया। बिलासपुर एम्स अब प्रदेश के नहीं बल्कि देश के कई बड़े अस्पतालों से ज्यादा हाईटेक हो गया है। शुक्रवार को एम्स में 12 नई सेवाओं की शुरुआत हुई, जिस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एम्स में इन नई सेवाओं का शुभारम्भ किया। कि नेतृत्व का असर क्या पड़ता है वो हमको समझना चाहिए, किस तरीके से हमारे बहुत से लोग यहाँ स्थानीय लोग बैठे हैं, हम सबके लिए ये यहां ये एम्स का बनना ये सपना है। कभी हम सोच नहीं सकते थे, मैं तो यहां पर बचपन से खेलता कूदता बड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है यहां एक चीज आने का मतलब क्या होता था। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हम सबको मिला है, ये संभव हुआ, इस सपने को साकार किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उनके कारण ये परिवर्तन आया है। बिलासपुर एम्स में कैंसर के मरीजों का इलाज अब अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी से होगा, जिसके लिए रेडियोथेरेपी विभाग में 30 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और 7 करोड़ की अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनें लगाई गई हैं। शुक्रवार को इन सुविधाओं की शुरुआत के साथ 39 करोड़ की लागत से बने विश्राम सदन का भी शुभारम्भ किया गया, जहाँ मरीज और उनके तीमारदार ठहर पाएंगे। हमारे नड्डा जी देश के हेल्थ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने क्षेत्र में एम्स को नर्चर करके व्यक्तिगत स्वयं तौर पर रुचि लेके अभी भी कोई महीना ऐसा नहीं गया हो कि नड्डा जी का बिलासपुर एम्स के लिए मेरे पर कोई ना कोई फोन ना आया हो। मनसुख भाई, ये सुविधा हमारे यहाँ हो जाए तो अच्छा, ऐसा करके छोड़ देते थे, लेकिन ऐसा करके जब छोड़ देते हैं तब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस सुविधाओं को उपलब्ध कराए। आज 12 प्रकार की सुविधा हमारे एम्स में ऐड हुई है, आने वाले दिनों में भी जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी समय समय पर परिस्थिति के अनुसार हमारी रिक्वायरमेंट बदलती जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मोदी गवर्नमेंट बिलासपुर एम्स में कोई सुविधा की कमी ना हो, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को दूर सुदूर इलाज कराने के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसके लिए एम्स हमेशा सेवारत और कार्यरत रहेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जितने मेडिकल कॉलेज 50 सालों में खुले उससे ज्यादा मोदी सरकार के 10 सालों में खोले गए, और हमारे मात्र 350 से कम मेडिकल कॉलेजेस देश में थे 2014 से पहले। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, जब मैं सूचना प्रसारण मंत्री के नाते देश के सामने बात रखता हूँ मोदी सरकार की उपलब्धियों को, तो आज 350 नहीं 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज देश में खुल गए हैं। मात्र 10 सालों में उतने मेडिकल कॉलेज खुले जितने 50-70 साल में नहीं खुले थे। कुछ सुविधाओं के साथ बिलासपुर एम्स का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में हुआ था, जिसके बाद से लगातार कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नई सुविधाएं शुरू करने की योजना पर काम भी चल रहा है। अरुण चंदेल, न्यूज 18, बिलासपुर।